हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे किस चीज की ऑटोमेटिक कार को चलाने में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वो चीज है ब्रेक, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारा ब्रेक लगाना और गियर चेंज करना। वैसे तो ऑटोमेटिक कार में गियर्स होते नहीं हैं, मैनुअल में जैसे कई सारे गियर्स होते हैं, ऑटोमेटिक में अगर हम कहें तो केवल दो टाइप के गियर होते हैं, एक जो ऑटोमेटिक शिफ्ट करता है आपको फ्रंट में और एक होता है रिवर्स गियर। वो गियर जब भी आप लगाएंगे तो आपको जैसे मैनुअल में क्लच दबाना पड़ता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ब्रेक का, आपको ब्रेक दबाना पड़ेगा और ये फिर आपको गियर बॉक्स से ये गियर शिफ्ट करना होगा, चाहे तो रनिंग गियर के अंदर, डी के अंदर या फिर रिवर्स गियर के अंदर। एल्स गियर नहीं लगेगा आपकी गाड़ी का तो आपको ब्रेक पे पैर लगाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको कार स्टार्ट करनी है तब भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूट्रल पे जब भी गाड़ी होगी और आप इस कार को जब स्टार्ट करेंगे तो की से जब भी ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंबल सा आ रहा है गाड़ी में जो ये बता रहा है आपको ब्रेक पे पैर रखना ही पड़ेगा। और आप ब्रेक पे पैर रखें और गियर बॉक्स में न्यूट्रल है ही, और आपको कार के की को ऑन करना होगा और आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ब्रेक पे पैर नहीं रखेंगे तो आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। तो ब्रेक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रनिंग ऑटोमेटिक कार्स। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।